नमस्ते दोस्तों, मैं रविंद्र यादव आपका हमारे YouTube चैनल BBC स्टडी हब में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का एग्रीमेंट था। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट हमने कर लिया और मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों के समझ में आ गया। आज हम क्या पढ़ेंगे, नाउन के नंबर पढ़ेंगे। नाउन के नंबर और केस के बारे में हम बात करेंगे आज। नाउन के नंबर और केस, देखिए पहले अपने इस चीज को छोड़ देते हैं, नंबर से आप क्या, और नंबर से पहले भी ये समझ लें नाउन क्या है। देखिए, मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं होगा भाई नाउन क्या है, यानी संज्ञा। क्या है ये संज्ञा, क्या होती है संज्ञा बताइए। शाबाश, इसकी परिभाषा बड़ा सिंपल है। नेमिंग वर्ड्स आर, वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड्स को क्या बोलते हैं भाई मेरे प्यारे बच्चों, नाउन बोलते हैं। यानी संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, यानी नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। किसको क्या संज्ञा दे रहे हैं हम, जैसे हमने किसी आदमी को राम की संज्ञा दे दी तो ये नाउन हो गया। किसी भी एक लकड़ी की बनी कोई आकृति थी, उसको हमने क्या कर दिया, टेबल की संज्ञा दे दी, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। इस प्रकार से नेमिंग वर्ड जो है, ध्यान से सुने, जो नेमिंग वर्ड है उनको ही क्या बोला जाता है, नाउन बोला जाता है। अब नंबर की यदि मैं बात करूं तो इसको देखिए, आप ज्यादा चक्कर में ना पड़े। नंबर का मतलब है इसकी, ये भाई राम है, ये एक वचन है कि बहुवचन है। अब एक वचन है तो इसको बहुवचन कैसे बनाया जाए, तो बहुवचन है तो इसको एक वचन कैसे, ये हम क्या करते हैं, नाउन के नंबर में पढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, नाउन के नंबर से क्या मतलब है, मतलब नंबर से ये मतलब है, नंबर का मतलब यही तो होता है, एक दो तीन चार पांच। अब यही देखना है, यहां पे एक दो तीन चार पांच की बात नहीं करनी है। ये यदि एक वचन है तो इसको बहुवचन कैसे बनाया जाता है, बहुवचन है तो इसको एक वचन। अपने को क्या होता है, मैक्सिमम जो है, देखिए अपने नाउन के प्रकार पढ़ते हैं, उसके बाद कौन कौन से प्रकार हैं वो सिंगुलर में रहते हैं, और कौन कौन से जो प्रकार हैं वो बहुवचन में होते हैं, और कौन से वो प्रकार हैं जिनको एक वचन से बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, यानी कौन से वो प्रकार हैं जो हमेशा एक वचन में ही रहते हैं, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए नाउन मैंने आपको बताया, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। अब नाउन कितने प्रकार का होता है वो देखिए, आपके ये चीज अंगुलियों पे होनी चाहिए, नाउन कितने प्रकार का होता है। तो देखिए नाउन के कितने प्रकार होते हैं। अब सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन। कौन सा होता है माय डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन से क्या मतलब है, देखिए कोई भी चीज प्रॉपर, मैंने किसी का नाम ले लिया जो जैसे था, जैसे गीता है, रीटा है, रोहन है, जो भी हमारे मतलब प्रॉपर। अब ये तो हो गए ह्यूमन बींग्स की बात, अब कोई भी अपने बात करते हैं, गंगा नदी है, यमुना है, तो इस प्रकार से क्या प्रॉपर मैंने नाम ले लिया। अब कोई भी स्कूल का मैं नाम ले लेता हूं, SD मॉडल है, एक स्कूल का नाम ले लिया मैंने, किसी भी शहर का नाम ले लेता हूं मैं, जयपुर का नाम ले लेता हूं, कौन सी नाउन है, प्रॉपर। दिल्ली का नाम ले लेता हूं, कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। तो इस प्रकार ये क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होते हैं, एक वचन में होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है मेरे स्टूडेंट्स। प्रॉपर जो नाउन होते हैं ये हमेशा एक वचन होते हैं। जयपुर का जयपुर से नहीं बनाया जा सकता, दिल्ली का दिल्ली से नहीं बनाया जा सकता, मतलब इनको क्या, SD मॉडल से नहीं बनाया जा सकता, गंगा से नहीं बनाया जा सकता, मतलब इनको हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं। जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एक वचन ही होते हैं, और एक वचन में इनका यूज होता है, इनको हम बहुवचन बना भी नहीं सकते। ये आपको हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा, प्रॉपर नाउन में देख लिया भाई क्या होता है, कैसे होता है, एक वचन में यूज होता है। अब दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए एब्स्ट्रैक्ट को बोलते हैं भाववाचक। अब भाववाचक, सबसे पहली बात याद रखने वाली यही भी है कि भाववाचक जो संज्ञा है वो भी एक वचन में ही यूज होती है, इसके भी हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं। भाववाचक संज्ञा के हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं। जैसे अब किसी कोई कोई भी भाव लीजिए भाई, प्रेम का भाव है, क्या है,
प्रेम का भाव है। तो कभी भी आप इसको देखिए, जब जहां कहीं भी आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो, आप जस्ट उसको हिंदी में करके देख ले, आपको पूरा समझ में आ जाएगा भैया क्या है, ये होता है नहीं होता है। देखिए अब प्रेम है, अब आप प्रेम को मतलब एक एक वह उससे बहुत प्रेम करता है, वह उससे बहुत बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। अब बहुत लगाए तो ये बहुत मतलब यहां पे प्रेम हो गया भी ज्यादा है, ज्यादा है। लेकिन यदि इसी का आप बहुवचन आप इसका बनाना चाहो, जमती कोई बात गलत होता है, इसका बहुवचन नहीं बन सकता। ठीक है, हेट है तो इसका आप ये नहीं करते हो बहुत सारी हेट करता है, बहुत ज्यादा घृणा करता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसका हेट्स आपने वह उससे बहुत ज्यादा हेट्स करता है, इसलिए आप यहां पे ही हेट्स नहीं, गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते। ये एकवचन में यूज होगा, यानी जो भाव है भाववाचक संज्ञा है वो एकवचन में। अब उसकी हाइट है, अब ऐसे थोड़ी होते उसकी हाइट्स बहुत है, नहीं कभी नहीं होगा, ये हाइट्स कभी नहीं होगा। अब लेंथ, और भैया उसकी लेंथ तो बहुत, लेंथ उसकी बहुत, नहीं 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 ऐसे यूज हो नहीं सकता है। आप हमेशा ध्यान में रखोगे ये हमेशा क्या यूज होगा, एक वचन में। तो दो चीज तो अपने सामने आ गई, भाई प्रॉपर नाउन भी एक वचन में यूज होती है और एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन है वो भी एक वचन में, यानी भाववाचक संज्ञा है वो भी एक वचन में ही यूज होती है। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखोगे, जो प्रॉपर नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो हमेशा क्या होती है, एक वचन में यूज होती है। और आप इसका बहुवचन बनाने की सोच भी नहीं सकते, भाई इनका बहुवचन भी बन सकता है। अब ये मुझे लगता है आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो अभी देखिए इससे अगला नाउन कौन सा है उसकी हम बात कर लेते हैं। अभी देखिए तीसरा प्रकार हमारे पास में कौन सा है, तीसरे में हमने पढ़ा मेटेरियल नाउन। अब मेटेरियल नाउन में हमने द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी मेटेरियल नाउन का शुद्ध हिंदी क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। अब समझने वाली बात यह है, मेरे अधिकांश जो विद्यार्थी हैं वो ये समझते हैं कि द्रव्य में केवल तरल पदार्थ आते हैं, ये हमेशा दोबारा देख लीजिए, द्रव्य में तीनों चीजें आती है, मैंने पहले लिखा है द्रव्य में ठोस, द्रव और गैस। देखिए द्रव्य और द्रव में अंतर है, ये आप समझेंगे, द्रव्य और द्रव में अंतर है। द्रव्य का मतलब इसमें तीनों चीजें होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, और द्रव्य जो है वो तीनों का समायोजन करके बनाया गया है, मतलब इसमें तीनों चीज हो सकती हैं। और द्रव जो होता है वो आपका क्या होता है, तरल होता है। अब देखिए ठोस ये बोलता है, जो मेटेरियल नाउन है, बात ध्यान में रखने वाली ये भी है कि जो मेटेरियल नाउन होता है वो भी एक वचन में यूज होता है। कैसे, जैसे गोल्ड है, क्या है, गोल्ड है, गोल्ड्स नहीं, सिल्वर है, सिल्वर्स नहीं, ये सिल्वर्स नहीं हो सकता, क्या है, सिल्वर ही होगा। अब उसके बाद में द्रव है, द्रव में आपका टी है। अब ऐसे थोड़ी होता है मैं बहुत चाय पीता हूं तो आई टेक टी, आई टेक टीज, ऐसे 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 नहीं हो सकता, यानी ये क्या रहेगा, सिंगुलर सिंगुलर ही रहेगा, इसका प्लूरल नहीं होगा। दूसरा वॉटर है, अब ये वॉटर है ये भी क्या रहेगा, सिंगुलर, हाँ इसका प्लूरल बन सकता है, लेकिन अभी अभी पानी है, अभी वॉटर का मतलब यहां पर क्या है, पानी है, लेकिन आप जैसे इसके आगे एस लगा दोगे तो ये अपना अर्थ ही बदल देगा, इसका मतलब महासागर हो जाएगा, ठीक है ना, तो हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते। गैस है, अब कोई भी गैस है, ऑक्सीजन नहीं हो सकती, कार्बन डाइऑक्साइड्स नहीं हो सकती, तो ये जो क्या है, एक एक आपका सिंगुलर में ही रहेगा। तो तीसरा जो हमारा नाउन था वो मेटेरियल, अब हमें ये बड़े अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि हमने तीन नाउन अभी तक पढ़ी हैं, ध्यान से सुन लीजिए, तीनों नाउन हमारे अंगुलियों पे होने चाहिए। सबसे पहले हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा है, प्रॉपर नाउन में हमने क्या पढ़ा, कोई भी प्रॉपर नाउन, किसी भी चीज का प्रॉपर नाउन, यानी जैसे एक समाज, अब दोबारा से प्रॉपर नाउन को यदि मैं बात करूं, भाई बॉय था, क्या था, बॉय था, अब बॉय का कोई भी नाम हो गया, यानी राहुल नाम हो गया, अब ये प्रॉपर है, प्रॉपर नाउन हो गया आपका। अब उसके बाद क्या था, नदियां थी, रिवर्स थी, रिवर में आपने गंगा लिख दिया, गंगा क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। तो इस प्रकार से प्रॉपर नाउन होता है, यानी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का प्रॉपर नाम जो हो गया वो प्रॉपर नाउन में लेंगे, ये सिंगुलर यूज होता है। उसके बाद में जो हमने पढ़ा था दूसरा नाउन, जो हमने पढ़ा था वो नाउन पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी उसमें हमने भाव पढ़ा था, भाव हमेशा एक वचन में यूज होगा, ये देखने वाली बात है, यानी चाहे वो प्रेम का भाव हो, चाहे वो घृणा का भाव हो, चाहे वो कोई लंबाई हो, ऊंचाई हो, चौड़ाई हो, हमेशा क्या होगा,
सिंगुलर में यूज होगा, और तीसरा जो नाउन हमने पढ़ा है मेरे प्रिय स्टूडेंट्स वो हमने पढ़ा है मेटीरियल नाउन। और ध्यान रखने वाली बात है मेटीरियल नाउन भी हमेशा क्या होता है सिंगुलर में यूज होता है। तो हमने तीन नाउन पढ़े, तीनों हमारी उंगलियों पे हो गए, प्रॉपर नाउन हो गया, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, उसके बाद में हमारा कौन सा हो गया था मेटीरियल नाउन हो गया था। तो तीनों नाउन हमने पढ़े और तीनों ही सिंगुलर होंगे और तीनों के मैंने एग्जाम्पल आपको दिए हैं। तो तीन नाउन हमने पढ़े, अभी चौथा नाउन है वो हमारा है कॉमन नाउन। कॉमन में सबसे पहली बात याद रखने वाली यही है कि कॉमन नाउन बहुवचन हो सकता है और कलेक्टिव नाउन बहुवचन। देखिए आपको ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रख लीजिए कि पांच हमारे पास में कुल नाउन है, पांच में से तीन नाउन है जो हमेशा एकवचन यूज होंगी और दो नाउन है उनका बहुवचन यूज हो सकता है। कौन कौन सी, देखिए प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मेटेरियल नाउन, ये जो तीनों नाउन है ये हमेशा एक वचन में यूज होती हैं, और जो दो बच गई आपकी कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन वो हमेशा क्या यूज होगी, वो बहुवचन में भी यूज हो सकती है। तो देखिए कॉमन नाउन में क्या होता है, देखिए कॉमन में क्या करा, जैसे आपने यहां पे बॉयज लिख दिया, क्या लिख दिया बॉयज, अब लड़के हैं, अब यहां पे स्कूल्स लिख देते हैं स्कूल्स, अब स्कूल्स हैं, अब ये एक यहां पे ये एक लड़के का नाम होता तो ये प्रॉपर हो जाता, लेकिन इसने क्या करी पूरे एक समाज की बात करी। अब टीचर, कोई टीचर था, अब उसका लिख दिया टीचर, अब यदि किसी का नाम लिख दिया संजय का नाम लिख दिया, भाई संजय टीचर है, तो ये तो हो गया आपका प्रॉपर नाउन, ये क्या हो गया आपका संजय टीचर है प्रॉपर नाउन में। लेकिन टीचर है, अब ये क्या आ गया टीचर की पूरी इसने कॉमन लिया है, कॉमन समाज का पूरा एक विश्लेषण करा है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं। अब स्कूल है, जैसे मैंने पहले आपको बताया भाई एसडी मॉडल है, क्या है ये एसडी मॉडल है, तो एसडी मॉडल तो प्रॉपर है लेकिन केवल स्कूल है तो वो क्या है कॉमन नाउन है। तो आप ध्यान रखेंगे जहां कॉमन बात हो, यानी कॉमन कोई नाम दे दिया है, कोई ट्रेन का नाम दे दिया, देखिए कोई ट्रेन है, आपने शताब्दी एक्सप्रेस है तो शताब्दी एक्सप्रेस प्रॉपर है लेकिन ट्रेन से तो वो क्या है वो कॉमन है। तो आप कॉमन और आपका प्रॉपर नाउन में बिल्कुल अंतर समझ गए होंगे। आगे वाला जो है हमें ये नहीं देखना है कॉमन और प्रॉपर में क्या अंतर है, लेकिन हमें ये समझना है कि कॉमन जो नाउन है वो प्लूरल में भी यूज हो सकता है और जो प्रॉपर नाउन है वो केवल सिंगुलर में यूज होता है। हमें याद रखने वाली बात ये है। अभी देखिए चार नाउन हमने पढ़ लिए, पांचवा नाउन देखिए, पांचवा नाउन हमारे पास में कलेक्टिव नाउन है और परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट नाउन जो होता है वो कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन से हमेशा आपके कंपटीशन के एग्जाम में है प्रश्न वो पूछे जाते रहे हैं। अब कलेक्टिव नाउन होता क्या, देखिए सबसे पहले तो ये चीज देखने वाले भी कलेक्ट, अब आप तो वैसे जो समझे भाई कलेक्टिव आया तो मतलब कलेक्शन से बात है, मतलब पूरा का पूरा इसमें एक से ज्यादा ही संख्या होती है। अब देखिए ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनका हमें पता नहीं चलता है कि यार ये एक वचन है बहुवचन है। अब उस इसको वैसे हिंदी में यदि बात करें तो इसको समूह, मतलब जो भी संज्ञा है वो क्या होगी समूह में होती है, इसलिए इसको समूहवाचक संज्ञा बोला जाता है। अब देखिए समूह के अंदर कौन कौन सी चीज है, अब देखिए एक बात आपको छोटी सी मैं बता देता हूँ, समूह के अंदर एक जूरी है ये मान के चलिए भाई, इससे रिलेटेड इस वर्ड से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कंपटीशन के एग्जाम में, जूरी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हर्ड है, तो ये ऐसी चीजें हैं इनसे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। अब आर्मी है, बताइए एक वचन है एक बहुवचन है, अब ये पढ़ने वाले जब हम इनका एक वचन से बहुवचन बनाएंगे, यानी जब इनके रूल्स में आपको बताऊंगा कि भैया ये एक वचन में पढ़ा जाएगा, क्यों पढ़ा जाएगा, इसका ये कारण है, ये बहुवचन में पढ़ा जाएगा, इसका क्या कारण है ये कारण है। तो अभी देखिए हमें केवल ये देखना है कि ये जो कलेक्टिव नाउन है वो बहुवचन में भी यूज किया जाता है और बाकी जो तीन नाउन थे वो केवल एक वचन में यूज होते हैं। तो हमारे पास में दो चीजें नई आई हैं कि हमारे पास में कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन होती हैं वो हमेशा बहुवचन में भी यूज की जाती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स देखिए हमने ये पूरा का पूरा पढ़ लिया है, नाउन के हमने प्रकार पढ़ लिए हैं। आगे वाला जो हमारा वीडियो होगा उसमें मैं आपको पांचों जो हमारे हमने ये नाउन जो पढ़े हैं उनके सबके एक एक करके रूल में आपको बता दूंगा, और बता ही नहीं देंगे हम यहाँ पे पढ़ाने नहीं आते, हमारी इच्छा ये होती है कि आपको अंगुलियों पे गिनवा के जाएं, आपके अंगुलियों पे होने चाहिए। भैया देखिए जैसे आज मैंने आपको बताया कि ठीक है हमने पांच प्रकार के नाउन बताइए, तो आपके नाउन पे देखिए सबसे पहले प्रॉपर एक वचन में होती है, उसके बाद में हमने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट क्या होती है एक वचन में यूज होती है, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था
शाबाश, बताइए तीसरा क्या था? तीसरा हमने मेटीरियल पढ़ा, मेटीरियल भी क्या था एक वचन में पढ़ा। उसके बाद में दो जो हमारे पास में बचे थे, यानी मैंने आपको कॉमन बताया और कलेक्टिव बताया, वो क्या थे? वो आपके बहुवचन में यूज हो सकते हैं, ये मैंने बताया। तो इसी प्रकार से हमने क्या है, इसके जो 15-20 जो रूल है वो भी हम क्या करेंगे, अंगुलियों पे गिन लेंगे। तो इच्छा करूंगा कि आप बहुत से बहुत इसको है ना शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।